कक्षा 11वीं फिजिक्स भौतिक शास्त्र, क्लास 11th फिजिक्स भौतिक शास्त्र, भौतिक विज्ञान भौतिक शास्त्र, क्लास 11th फिजिक्स का रिवीजन टेस्ट। रिवीजन टेस्ट के संपूर्ण सॉल्यूशन, पूरा फुल सॉल्यूशन आपको मैं दे रहा हूँ, वो भी पूरा 100% सही। अगर ये पेपर तुमने लिख करके आ गए तो फिजिक्स में 100% मार्क्स आएंगे, कोई एक नंबर भी नहीं काट पाएगा तुम्हारा। देखो, पहला प्रश्न एक ये बोल रहा है, प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चुनकर लिखिए। भौतिक राशियों के निम्नलिखित जोड़ों में से किस जोड़े का बीमित सूत्र समान नहीं है? तो तनाव और पृष्ठ तनाव का बीमित सूत्र समान नहीं होता। तनाव का बीमित सूत्र अलग होता है, पृष्ठ तनाव का बीमित सूत्र अलग होता है। मैंने बीमित सूत्र निकालने वाला वीडियो किस प्रकार से निकाला जाता है अपने चैनल पर मैंने आप लोगों को पढ़ाया हूँ, है ना। और कक्षा ग्यारहवीं की पूरी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो सब कुछ पढ़ने के लिए अगर मुझसे पढ़ना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। क्लास 11th मैथ्स स्ट्रीम, बायो स्ट्रीम के लिए स्पेशल चैनल है, है ना, भारती शेर PCM, है ना। निम्नलिखित अनुपात में से किस में दाब द्वारा व्यक्त होता है? तो बल बटे क्षेत्रफल। एक निश्चित क्षेत्रफल पर, जैसे कि एक निश्चित क्षेत्रफल पर, यदि एक निश्चित क्षेत्रफल पर, क्षेत्रफल मतलब एरिया, एक निश्चित क्षेत्रफल पर जो बल लगाते, जो दबा रहा हूं मैं, देखो जो दबा रहा हूं, एक निश्चित क्षेत्रफल पर जो बल लगाते हैं, एक निश्चित क्षेत्रफल जो बल लगाते हैं उसको दाब बोलते हैं। दाब मतलब दबाना। एक निश्चित क्षेत्रफल पर जो बल लगाते उसको दाब कहते हैं। एक निश्चित क्षेत्रफल पर जो बल लगाते उसको अपन क्या बोलते हैं? दाब कहते हैं। अगला, ए बराबर आई प्लस जे तथा बी बराबर आई माइनस जे के बीच का कोण है? ये कोण निकालना बहुत आसान है, एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है ना, वो मैं पढ़ा दूंगा तुम लोग को वार्षिक परीक्षा के हिसाब से, क्योंकि वार्षिक परीक्षा तुम लोग को ओपन बुक से नहीं होगी, पूरा पढ़ा दूंगा तुम लोग को। इसका आंसर क्या आएगा? -45 डिग्री आएगा। चौथा, एक पिंड को निर्वात में केवल गुरुत्व के अधीन स्वतंत्रता पूर्वक गिर रहा है, इससे गिरने के दौरान निम्न में से कौन सी राशि अचर होगी? देखो, जैसे कि ये पिंड है, ये क्या आपका पिंड है, ये पिंड ऊपर से नीचे गिर रहा है, देखो ये गिरा नीचे, ऊपर से नीचे गिरा पिंड। तो जब कोई पिंड ऊपर से नीचे गिरता है, इसको छोड़ दूंगा ना मैं, ऊपर से नीचे टपक जाएगा। कहां टपक जाएगा? ऊपर से नीचे टपक जाएगा। तो यदि कोई पिंड निर्वात में गुरुत्व के अधीन, गुरुत्व मतलब जमीन जो बल लगाती है उसको अपन बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल, जो नीचे खींचती है, जमीन के अधीन गुरुत्व स्वतः गिर रहा है, तो कौन सी ऊर्जा? यांत्रिक ऊर्जा मतलब इसकी जो यांत्रिक ऊर्जा है, इसकी जो कार्य करने वाली जो यांत्रिक ऊर्जा किसी भी पिंड की, वो हमेशा कैसे रहेगी? नियत रहेगी, हमेशा स्थिर रहेगी। मैं समझा इसलिए रहा हूं क्योंकि इसी के आधार पर आपका वार्षिक परीक्षा का पेपर भी आएगा, जो कि आपको बिना देखे लिखना पड़ेगा। अभी देख के लिख लो भली, है ना। ई, निम्नलिखित में से किस पिंड का द्रव्यमान उसके केंद्र के बाहर होता है? किस पिंड का? तो पत्थर है, पत्थर का द्रव्यमान उसके केंद्र में होगा, लेकिन जो चूड़ी होती है, जो क्या होती है आपकी, चूड़ी होती है, चूड़ी के बीच में बिल्कुल खाली होती है, जो चूड़ी होती है आपकी, देखो ये चूड़ी हो गई, ये क्या हो गया आपकी चूड़ी, चूड़ी अंदर से कैसी होती? खोखली होती है। चूड़ी अंदर से कैसी होती? खाली होती है। चूड़ी, जो चूड़ी होती है वो बीच से खोखली होती है ना, तो उसका द्रव्यमान केंद्र बीच में स्थित नहीं होता, उसका आंसर चूड़ी आएगा। चूड़ी आएगा इसका आंसर। क्वेश्चन दो, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। एक वायुयान का वेग दुगुना कर दिया जाए, एक हवाई जहाज है, जो हवाई जहाज उड़ रहा है, हवाई जहाज उड़ रहा है, इस हवाई जहाज का अगर अपन स्पीड दुगनी कर दे, स्पीड यदि अपन डबल कर दे, इस हवाई जहाज की स्पीड कैसे कर दूं मैं? डबल कर दूं। अगर हवाई जहाज का वेग क्या कर दिया जाए? दुगना कर दिया जाए, तो उसकी जो गतिज ऊर्जा होती है उसकी 4 गुनी हो जाएगी। गतिज ऊर्जा मतलब गति करने की ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी, रट से आएगा, है ना, मेरे भाई का चेहरा आ गया इसमें, है ना, रट से आएगा बिल्कुल, है ना। गतिज ऊर्जा कैसे जाएगी इसकी? 4 गुनी हो जाएगी। घूर्णा कक्ष बदल जाने पर द्रव्यमान केंद्र भी बदल जाता है। अगर देखो, एक तुमने एक आलू लिए, आलू का चालू बेटा कहाँ गए थे? मना जी, आलू लिए, आलू 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 के बीच में तुमने एक सूजा घुसेड़ दिए। तो अब तुम उस सूजा को घुमाओगे तो आलू भी घूमेगा, आलू भी क्या करेगा, उसको घूमेगा, आलू भी घूमेगा ना, गचगचा के ऐसा करके घूमेगा आलू। अगर तुमने उसका सूजा निकाल करके दूसरी जगह डाल दिए तो उसका घूर्णन अक्ष बदल जाएगा। तो द्रव्यमान केंद्र सब बताया हूं, सब पढ़ाऊंगा, A to Z पढ़ाऊंगा, 11वीं क्लास की पूरी फिजिक्स केमिस्ट्री में सब पढ़ाऊंगा, है ना, सब कुछ पढ़ाऊंगा मैं, A to Z पढ़ाऊंगा, सब कुछ पढ़ाऊंगा, है ना। घूर्णन अक्ष बदलने पर द्रव्यमान केंद्र भी क्या होता है? बदल जाता है। अगला,
किसी निश्चित दिशा में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को विस्थापन बोलते हैं। निश्चित दिशा, दिशा निश्चित है कि इसी दिशा में जा रहा है, इसी दिशा में जा रहा है, निश्चित दिशा रहेगी तो जितनी वो लंबाई तय करेगा, 1 किलोमीटर की लंबाई तय करा उसको विस्थापन होगा 1 किलोमीटर, है ना। और किसी भी दिशा में भागेगा वो इधर उधर आड़ा पीछा कहीं पर भी, तो वो क्या होगा, दूरी होगा। उसका आंसर क्या आएगा, विस्थापन आएगा भाई, विस्थापन। करेक्ट आंसर क्या है इसका, विस्थापन। किसी निश्चित दिशा में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी उसको क्या होती है, विस्थापन कहते हैं। सर बी आर रमन, रमन ने क्या कह रहे, प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन का मतलब जो तो हवा है, जी हवा है, यहां पर ये सूरज है, सूरज से क्या आया, लाइट आया, सूरज से जैसी लाइट आया वो टकराया और फैल गया, प्रकाश का फैलना, प्रकाश का प्रकीर्णित होना। इसकी खोज किसने करी, रमन ने करी थी, कब करी, 1930 में। प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन के लिए 1930 में, कब 1930 में, सी बी रमन को नोबेल पुरस्कार मिला, नोबेल पुरस्कार मिला। एक माइक्रोन बराबर क्या होता है, 10^6 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर यहां से लेकर के यहां तक की दूरी है ना, इसकी किसके बराबर होती है, ये 10^ है ना, 1 माइक्रोन के बराबर होती है, 1 माइक्रोन बराबर 10^6 मीटर। अगला सही जोड़ी, मंदन, मंदन, मंदन किसको बोलेंगे, त्वरण दो प्रकार के होते हैं। त्वरण मतलब जब कोई वस्तु गति करती है, ओ गति कर रही वस्तु, एरोप्लेन घूम रहा है, जब कोई वस्तु गति करती है तो गति करती हुई वस्तु में त्वरण उत्पन्न होता है। अगर कोई इसकी स्पीड स्लो हो जाए, स्पीड से गति कर रही है फिर स्पीड स्लो हो जाए अगर इसकी, है ना, तो ऋणात्मक त्वरण को मंदन बोलते हैं। और त्वरण का मात्रक क्या होता है, m/s² होता है, m/s² होता है, किसका, तो मंदन का मात्रक भी क्या होगा, m/s² होगा। पूरा पढ़ाऊंगा तुमको, पूरी फिजिक्स पढ़ाऊंगा, चिंता मत करना बेटा, पूरी फिजिक्स पढ़ाऊंगा, मास्टर बना दूंगा तुम लोग को, मास्टर। अभी नकल चोर लो, भारतीय परीक्षा में तुमको गाइड की जरूरत भी नहीं पड़ने वाली, ऐसी फिजिक्स पढ़ाऊंगा, मजा नहीं आया तो मेरे को बोलना फिर तुम। एक समान वृत्ति गति में कण की गतिज ऊर्जा क्या होती है, अचर होती है। अगर कण एक जैसा गति कर रहा है, एक जैसी गति कर रहा है, तो उसकी गतिज ऊर्जा कैसी होगी, उसकी अचर होती है। रॉकेट निरोधन संवेग संरक्षण, जब रॉकेट गति करता है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर, उसका जो वेग रहता है संरक्षित रहता है। स्प्रिंग का नियतांक का मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति मीटर होता है। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा mgh होती है, क्लियर। अगला, एक वाक्य में उत्तर दीजिए, यदि बल का मात्रक 1 न्यूटन, लंबाई का मात्रक 10 मीटर और समय का मात्रक कितना है, 100 सेकंड है, तो मात्रक की इस प्रणाली में द्रव्यमान का मात्रक कितना होगा, 1 किलोग्राम होगा। सब पढ़ाऊंगा, अभी तुम लिख बस लो, बाद में समझाऊंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। किसी फुटबॉल को किक मारकर उर्वदार ऊपर फेंका जाता है उच्चतम बिंदु पर, इसका त्वरण कितना होगा, वेग कितना होगा। तुमने फुटबॉल को देखो, जे रखी तुमने फुटबॉल, जे के तुम्हारी फुटबॉल है, फुटबॉल को तुमने किक मारे, जैसे किक मारे तुमने फुटबॉल को, फुटबॉल कहाँ जाएगी, ऊपर जाएगी, ऊपर गई गई, फिर ऊपर जाने के बाद फिर कुछ देर रुकेगी, फिर टप्पा खा के नीचे गिरेगी। तो जब ये उच्चतम बिंदु पर पहुंची तो इस उच्चतम बिंदु पर इसकी स्पीड जीरो हो जाएगी, रुक जाएगी 2 सेकंड के लिए, है ना। इसका वेग कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसका वेग कितना हो जाएगा, वेग हो जाएगा इसका जीरो, वेग शून्य हो जाएगा। और वस्तु नीचे से ऊपर जा रही है, मतलब जबकि इसको ऊपर से नीचे आना चाहिए, लेकिन जो नीचे से ऊपर जा रही है तो मतलब माइनस में रहेगा। त्वरण क्या रहेगा इसका, माइनस में। त्वरण कैसा रहेगा इसका, माइनस जी रहेगा, क्लियर। एक पिंड को पृथ्वी की सतह से 1 ऊंचाई तक ऊपर उठाया जा रहा है, एक पिंड है, ये तुम्हारा एक पिंड हो गया, इसको ऊपर से नीचे से ऊपर, इसको ऊपर उठा रहे है ना, है ना, तो गुरुत्वाकर्षण, तो कार्य क्या होगा, कार्य हो जाएगा इसका mgh। m क्या है, इस पिंड का वजन, इस पिंड का वजन। m क्या होगा, पिंड का द्रव्यमान हो गया। g क्या होगा, तुम्हारा गुरुत्वीय त्वरण हो गया। और h क्या होगा, तुम्हारी ऊंचाई, इस पिंड को कितने ऊपर तुमने उठाया, इसकी क्या होगी, वो हाइट होगी, ऊंचाई होगी, क्लियर। एक ऐसी स्थिति का उदाहरण दीजिए जिसमें बल के कारण गतिज ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होता। वृत्ति गति, अगर कोई वृत्ति गति कर रहा है ना, गोल गोल घूम रहा है ना, तो उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होता। क्या आएगा इसका आंसर, वृत्ति गति। एक बार धड़कने में मानव हृदय, इसका आंसर कितना आएगा, भैया तुम्हारा 0.6 वाट आएगा। कितना आएगा, 0.6 वाट, है ना। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। पूरी फिजिक्स पढ़ना है, पूरी केमिस्ट्री पढ़ना है, पूरा बायो पढ़ना है, अगर सब कुछ पढ़ना है तुमको तुम्हारे अमन भैया से, है ना। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कवर कर लो, है ना, और घंटा को बटन दबा दो, है ना, ऐसा काम कर लियो भैया, तो तुम लोग को बड़ा फायदा हो जाए, है ना। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।